हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे आपके अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 6 के सारे प्रश्नों क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के पास ही वीडियो को शेयर कीजिए। और जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको यहाँ हिंदी माध्यम के सभी वीडियोज़ फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में करेंगे आपके विषय गणित और विषय विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका कितना समय और मिलता है। इसमें 90 मिनट का समय मिलता है। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 40 होती है। तो आगे करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए, आपके भाग नंबर किसमें, भाग नंबर 2 में गणित दिया होता है, गणित का पेपर होता है। तो फर्स्ट नंबर क्या दिया है, निर्देश प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखना है। इसमें एक तालिका लास्ट में दी होती है, तो उसमें आप लोग को लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मोटरसाइकिल 3.5 लीटर पेट्रोल में 157.5 किलोमीटर चलती है, यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका आंसर होगा 45 किलोमीटर। आगे देखिए सेकेंड नंबर, रानी को कक्षा 7वीं की परीक्षा में 96% अंक प्राप्त हुए। यदि सभी विषयों के प्रश्न पत्रों में कुल अंकों का योग 750 है, तो रानी को निम्न में से कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो इनमें से कितना हो जाएगा, 796। 750 का 96 कितना होगा, 96%, 720 आंसर होगा। थर्ड नंबर देखिए, 50 छात्रों में से 46% छात्रों को विज्ञान विषय पसंद है, कितने छात्रों को विज्ञान विषय पसंद नहीं है? तो ये हो जाएगा 18 छात्रों को। 36% छात्रों को नहीं पसंद है, अर्थात 50 का 36% निकालेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए, निम्नलिखित चित्र में छायांकित भाग के संगत भिन्न को प्रतिशत में लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 25%। कुल 12 में से 3 है, तो 12/3 में गुणा 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा नंबर, ग्रिड में दर्शाई गई आकृति का क्षेत्रफल किसके निकटतम है? तो यह है 8 वर्ग सेंटीमीटर के अधिकतम, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, निम्नलिखित आकृतियों को देखकर सही विकल्प चुनना है। ये आकृति देखिए, ठीक। क्या दिया गया है, इसमें आंसर होगा आपका दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है, सी नंबर, आकृति ए और आकृति दो के क्षेत्रफल लगभग बराबर है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन है, टीना और मीना अपने घर के आंगन में खेलने के लिए चाक से निम्न आकृति के अनुसार परिसीमा बनाती हैं, तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या होगा, टीना के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह है, ठीक। टीना के पास, ये देखिए, इस वाले में ज़्यादा जगह है, इसमें कम जगह है, इसमें त्रिभुज है, इसमें आयत है, तो इसमें जगह ज़्यादा है। आठवां नंबर क्वेश्चन में दो आकृतियाँ दी हैं, एक वर्ग से कम करके बनाई गई है, इसमें इतना बड़ा वर्ग है, इसमें एक वर्ग कम कर दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा आकृति दो का क्षेत्रफल और परिमाप कम है आकृति ए से, ये वाला कम है इससे, है ना। नौवां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो पत्तियों के क्षेत्रफल को जिन्हें एक वर्गाकार कागज पर ट्रेस किया गया है, देखकर दिए गए कथनों को सत्य कथन बताइए। तो इसमें होगा आकृति ए का क्षेत्रफल बड़ा है, कौन सा है, पत्ती अ का क्षेत्रफल ज़्यादा है पत्ती बी से, पत्ती अ का क्षेत्रफल ज़्यादा है पत्ती बी से। दसवां नंबर देखिए, नीचे दिए गए आंकड़ों की मध्यक क्या है, तो मध्यक क्या है, तीन संख्या इधर, तीन संख्या इधर, बीच में क्या है, 17, तो मध्यक क्या हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा मध्यक। इसका पूछने का अर्थ है कि मध्य में बीच में कौन सी संख्या है, तो कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 3 को इधर किए, बीच में एक, तो 17 उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो आपको विज्ञान के पेपर का आंसर मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।